आज का टॉप डिफेंस अपडेट, INS नीलगिरी जो नीलगिरी क्लास फ्रिगेट का हिस्सा है, उसका सी ट्रायल MDL के द्वारा किया जा रहा है। सी ट्रायल्स में शिप के सिस्टम और परफॉर्मेंस को रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट किया जाता है। इंडिया का फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट सिक्योरिटी को बूस्ट करता है, खास करके चाइना के लॉन्ग रेंज मिसाइल थ्रेट के कॉन्टेक्स्ट में। यह सिस्टम 5000 किलोमीटर तक के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। इंडिया और अमेरिका ने GE-F414 इंजन के को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस किया है। GE ने 80% TOT दिया है, लेकिन IPR अपने पास रखना चाहती है और जनरल इलेक्ट्रिक ही डिसाइड करेगा कि इंजन कहाँ यूज की जा सकती है। पाकिस्तान को FC-31 स्टील फाइटर जेट में दिलचस्पी, इंडिया के राफेल जेट से डर की वजह से है। FC-31 एडवांस कैपेबिलिटी देता है, लेकिन फिर भी राफेल के सुपीरियर टेक्नोलॉजी के सामने पाकिस्तान एयरफोर्स को FC-31 से ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। इंडियन नेवी ने P-75I बिड पर कंसर्न राइज किया है, क्योंकि AIP सिस्टम सिर्फ लैंड पर टेस्ट हुआ है और नेवी को एक सी प्रूवन AIP सिस्टम चाहिए, जिसकी वजह से रशिया और फ्रांस पहले से ही स्टैंडर्ड से विड्रॉ कर चुके हैं। रशियन सुखोई 35S और MiG-31BM फाइटर जेट R-771 और R-37M मिसाइल के साथ यूक्रेन में एयर डोमिनेंट है। इस मिसाइल की रेंज 150 से 350 किलोमीटर है। इंडिया इसके रिस्पांस में रुद्रम-1 डेवलप कर रहा है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका के नेवल सरफेस वॉरफेयर सेंटर के लार्ज कैविटेशन चैनल विजिट किया, जहां उन्होंने इंडिया में भी एक ऐसी ही वाटर टनल फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने पर चर्चा की है। यहां सबमरीन, टॉरपीडो, सरफेस शिप और प्रोपेलर टेस्ट होगी। पेंटागन बोइंग के F-15EX को MRFA टेंडर के लिए पुश कर रहा है, जो कि अंडर $8 million पर यूनिट के प्राइस पर है। ये F-15EX एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, लेकिन राफेल और इंडियन कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन से टफ कंपटीशन फेस करेगा। पिछले साल इंडियन एयरफोर्स चीफ ने AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम में फॉरेन कोलेबोरेशन की जरूरत पर जोर दिया था, ताकि डिले से बचा जा सके। इसके लिए बोइंग और सेफ्रन एक्सपर्ट की मदद का सजेशन दिया था, लेकिन गवर्नमेंट की पूरी फोकस खुद से डेवलप करना है। पाकिस्तान ने अकिनकी UCAV की नई बैच रिसीव किया है, जो कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करेगी। ये टर्किश मेड ड्रोन हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग इंडोरेंस के साथ प्रसिजन गाइडेड मिसाइल्स और सर्विलियंस इक्विपमेंट कैरी कर सकता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।